यस बिल्कुल सर, आज सर जन्मदिन है, और क्या खुशियाँ आप प्रदीप गांधी को मिल सकती है? जन्मदिन के दिन एक ही प्रार्थना है ईश्वर से, ऊपर वाले से, कि भोपाल और दक्षिण पश्चिम की जनता ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, और जो हमारे नेता मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, दिव्य सिंह जी, सिंधिया जी, पचौरी और सभी नेताओं ने विश्वास व्यक्त करके मुझे जो पद दिया है, जनता ने चुना है, मैं उस पर खरा उतरूं और इतनी शक्ति दे कि सबके जो इच्छाएँ अरमान है उनको पूरा करता रहूँ और जन सेवा में कोई कमी नहीं आए, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना है। दीपावली के तौर पर मैं डीएवी बढ़ा के देने जा रही है सरकार। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वचन पत्र में जो बात कही गई थी कर्मचारियों के लिए, उसको एक एक पूरी करेंगे, और दीपावली का त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं, और दीपावली त्यौहार पर एक विशेष उनको डीए देने की बात हुई है। मैं सभी कर्मचारी भाइयों को, पूरे भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूँ, और आज के इस अहम दिन पर आप मुझे शक्ति प्रदान करें, यही आपसे प्रार्थना है। झाबुआ का प्रचार थम गया, आप क्या लगता है? झाबुआ से कल रात को हम 12 बजे आए हैं, कल मुख्यमंत्री जी की वहाँ आखिरी सभा हुई थी, और एक तरफा माहौल है, अबूरिया जी हजारों मतों से जीतेंगे, कमलनाथ जी में जनता विश्वास व्यक्त कर रही। सर अमरेश तिवारी की हत्या हुई है, विवेक तन्खा जी ने दो नगर निगम बनाने को लेकर कहा है, ट्वीट किया है, जबलपुर आया कि जबलपुर और इंदौर को भी नगर निगम होना चाहिए, दो महापौर जबलपुर और नगर निगम की तरफ से इंदौर जबलपुर में दो, विवेक तन्खा जी ने ट्वीट किया है। ये एक ठीक बात कही है, तन्खा जी का मैं आभार मानना चाहता हूँ, इसलिए कि चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पुणे हो, जितनी बड़ी सिटीज़ हैं, सब में दो दो और तीन तीन नगर निगम हैं, जिससे कि डिसेंट्रलाइज होगा वहाँ पे प्रशासन और आम लोगों की सेवाएं अच्छी तरीके से हो पाएगी। और कुछ नहीं, थैंक यू सर, जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं।